हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ एथ क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 13.1 और क्वेश्चन है हमारा छठा। छठा क्वेश्चन कह रहा है, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल जो है वो 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई जो है 28 मीटर है, तो उसके मॉडल की लंबाई क्या होगी। मतलब एक हमारे पास वास्तविक जहाज है, ठीक है, हमारा जहाज लग नहीं रहा है, ठीक है, पर हमारे पास एक वास्तविक जहाज है। उसी जहाज का क्या है, हमारे पास एक मॉडल है। वास्तविक जहाज जो होगा वो ऑब्वियसली हमारा बड़ा ही होगा, ठीक है, और मॉडल जो होगा वो हमारा छोटा होगा। तो भाई इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, इन्होंने जो है इसके जो मॉडल है उसके मस्तूल की लंबाई जो है वो दे दी है। वो दे कितनी है, 9 सेंटीमीटर दी है। और एक्चुअल में जो हमारा जहाज है, ठीक है, उसके मस्तूल की लंबाई जो है वो कितनी है, 12 मीटर दी गई है। फिर इन्होंने क्या कहा है, जो जहाज है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है, वो है 28 मीटर। अब हमको बतानी है कि मॉडल की लंबाई क्या होगी जाके सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हमें पता ही नहीं है कि ये कितनी है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम 12/9 लिखेंगे, बराबर में 28/x कर देंगे। पिछले क्वेश्चन की तरह कैची गुणा करेंगे, 12 की गुणा x से 9 की गुणा इससे कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 12x और ये हुआ 9 × 28, ठीक है। अब चाहे तो हम काट भी सकते हैं यहीं पे ही, क्योंकि यहाँ पे हमारा गुणा है तो हम काट सकते हैं। किससे काटेंगे, 2 × 12 और 2 × 1 = 2, 2 × 8, फिर हम इसको काट लेते हैं 2 × 2 = 6 और 2 × 7 = 14। अब हम 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ठीक है। इधर तो हमारा सारा कट गया, सिर्फ x बचा है, इधर हमारा क्या आया है, 7 × 3 = 21 आया है। मतलब 21 सेंटीमीटर जो है वो हमारी मॉडल की लंबाई आएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो ये है हमारा सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, मान लीजिए 2 kg चीनी में 9×10^6 क्रिस्टल हैं, निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। पहला ऑप्शन दिया है 5 kg और दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1.2 kg, ठीक है। अब क्रिस्टल का मतलब चीनी के दाने, ठीक है। तो यहाँ पे चीनी की मात्रा हमको जब 2 kg दी गई थी, तो कितने क्रिस्टल बन रहे थे, 9×10^6। अब इन्होंने कहा है 5 kg में कितने हमारे क्रिस्टल होंगे, हमें पता नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स मान लेंगे। एक्स मान लिया तो सबसे पहले इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम 2/2 क्या करेंगे, 9×10^6 लिखेंगे, बराबर में 5/x लिखेंगे, ठीक है। कैची गुणा जो है वो हम यहाँ पे भी करेंगे, 2 से x की गुणा तो हमारा 2x हुआ, ऐसे ही 5 की गुणा हमारी 9 से हुई और 9 के साथ में हमारा 10^6 लिखा हुआ था, ठीक है। अब हमने क्या किया, कुछ काटना चाहे तो काट सकते हैं, पर यहाँ पे हम काटेंगे नहीं, यहाँ पे हमारा 5 × 45 हो जाएगा और ये जो इधर गुणा में 2 था, ठीक है, ये 2 हमने यहाँ से हटाया और इधर जब जाएगा ये भाग में हो जाएगा, 10^6 जो है हम लिख देंगे। अब 2 से इस चीज़ को क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, दशमलव लगेगा, 2 × 5 = 10 × 10^6, ठीक है। ये किसका मान आया है, x का मान हमारा यहाँ पे आ गया है। मतलब 5 किलो चीनी होगी तो हमारे क्रिस्टल कितने बने जाके, 22.5 × 10^6। इस बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.2 किलो चीनी, ठीक है, इसमें हमारे क्रिस्टल कितने बनेंगे जाके, मान लो हमारे माने हैं y मान लिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ ही सेम यही प्रोसेस करेंगे। इस बार चाहे तो हम इसको ले सकते हैं, चाहे तो इसको ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। हम यहाँ पे 2/9×10^6 ही लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि भाई इसमें दशमलव भी है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। सो कैलकुलेशन जो है वो हमारी थोड़ी सी टफ हो जाएगी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम यही लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1.2 हम y लिख देंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कैची गुणा ही करेंगे, 2 से इसकी गुणा हुई तो हमारी 2y हो गया और
दशमलव दो की गुणा हमारी 9 से होगी, 9 के साथ हमारा 10 की घात 6 लिखा हुआ था। ठीक है, अब चाहे तो हम यहाँ पे काट भी सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे गुणा भी कर लेते हैं, 9 की हम 1.2 से गुणा कर लें, चाहे तो काट लें, काट लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, यहाँ पे दशमलव था एक अंक के पहले तो हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया। अब 6.6 की गुणा 9 से होगी, मतलब 9 × 6 = 54, 54 हुआ, और 1 अंक के पहले दशमलव तो मतलब 4 के पहले दशमलव लग जाएगा, और गुणे 10 की घात 6 हमारा आ जाएगा। किसका मान? y का मान आ जाएगा। यहाँ पे हमारा y का मान जो है वो क्या आएगा, मतलब क्रिस्टलों की संख्या, जब 1.2 किलो चीनी होगी तो हमारे क्रिस्टलों की संख्या जो बनेगी जाके वो बनेगी 5.4 × 10^6। ठीक है, इस तरीके से हमारे दोनों आंसर जो हैं वो आ चुके हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो भी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये हमसे कह रहा है रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर दूरी को 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी, मतलब वो जब 18 किलोमीटर जाती है तो उसके मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जो है वो दर्शाता है। ऐसे ही वो कितने किलोमीटर गई है, 72 किलोमीटर गई है, तो हमको मानचित्र में क्या दर्शाएगा। तो मान लिया हमने मानचित्र में दर्शा रहा है x, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ है सेम हमारा यहाँ पे वैसे ही होने वाला है। 18/1 करेंगे और 72/x कर देंगे, x की 18 से गुणा कर देंगे, चाहे तो हम यहीं पे ही काट सकते हैं, 18 × 72। तो अब हमारा यहाँ पे 1 आ गया, 1 से x की गुणा तो हमारा x आया, और 1 से 4 की गुणा 4 आया, मतलब हमारा मानचित्र में जब 72 किलोमीटर वो चलेगी, मानचित्र में 4 सेंटीमीटर दर्शाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, जल्दी से नोट करिए, आप फिर कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमसे कह रहा है एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, उसी समय पर ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है 10 मीटर 50 मीटर ऊंचे अन्य खंभे की छाया की लंबाई। ठीक है, ये हमको क्या है, यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही हमको साथ में दिया गया है, मतलब 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। अब हमें या तो सेंटीमीटर में ही होना चाहिए या तो मीटर में ही होना चाहिए, क्या करें हम इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो हमारा कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसलिए हमारा 5 मीटर जो है हो जाएगा कितने के बराबर हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। कितना? 5 मीटर। अब हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। 5 मीटर हमारा कितना हुआ, 500 और 60 हमारा दिया गया है, तो ये हमारा कितना हो गया, 560 सेंटीमीटर हो गया है। कितना? 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर जो है वो हमारा 560 सेंटीमीटर हो गया है। ऐसे ही अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 मीटर का मतलब क्या हुआ, 3 मीटर का मतलब हुआ 3 × 100, मतलब 300 सेंटीमीटर। अब इस चीज़ को अगर कन्वर्ट करेंगे 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को, तो 3 मीटर तो हुआ हमारा 300 सेंटीमीटर, अब 20 सेंटीमीटर तो है ही, तो ये हमारा जुड़ के 320 सेंटीमीटर हुआ। फिर हमारे पास जो तीसरा डेटा दिया गया है वो है 10 मीटर 10 मीटर का मतलब कितना हुआ, 10 × 100, 10 × 100 का मतलब हुआ 1000 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो डेटा है वो है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको हम चेंज करेंगे, 10 मीटर तो हुआ हमारा 1000 और 50 हमारा जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हुआ, 1050 सेंटीमीटर। ठीक है, सारे जो डेटा थे हमने उनको किस में चेंज कर लिया है, सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है, और 5 मीटर तो हमने निकाल ही लिया था, ये हमारा 500 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये वाले इन्होंने कहा था खंभे की जो लंबाई है वो कितनी है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होके कितनी आई,
560 सेंटीमीटर। अब जब इसकी छाया बन रही थी जमीन पे, वो बन रही थी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 320, ठीक है, क्या हुआ 320 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है उसी टाइम पे 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1050 मीटर खंबे की छाया जो है वो कितनी बनेगी। अब हमें पता तो है नहीं कितनी लंबी बनेगी जाके, तो हमने मान लिया x। अब हम सेम वही क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, कैसे करेंगे हम, 560 बटे में 320 लिखेंगे और बराबर में 1050 बटे में x करेंगे, ठीक है। कैची गुणा हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम जीरो से जीरो काट देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की 56 से गुणा हुई तो हमारा क्या आया, 56x आया। अब हमारी 320 की गुणा किससे हुई, 105 से हुई। अब हम क्या करेंगे भाई, x लिखा रहने देंगे, 56 हमारे इसके साथ गुणा में था, उधर भेज के हम इसको बटे में कर देंगे, ठीक है। बटे में होता है जो चीज़ गुणा में होती है बराबर के उधर जाती है, भाग में हो जाती है जो चीज़ भाग में होती है बराबर के उधर जाके गुणा में हो जाती है, ठीक है। ये हमारा 105 था, बटे में हमारा क्या है 56, ठीक है। 4 से ही हमारा कट जाएगा, और ये हमारा 4 8 32, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 8 32 0, 4 1 4, 4 4 16। अब हम 2 से काट देंगे, 2 7 14, 2 4 8 और 0, ठीक है। अब हमारा ये 7 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 7 1 7, 7 से कट जाएगा, 7 1 7 और 7 1 7, 3 5 7, 7 5 35, 35 × 15 × 40 हमारे पास आया है, और 15 चक्कू होता है हमारा 60, ठीक है, और एक जीरो और था। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आ गया है, 60 सेंटीमीटर जो है वो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की जो वैल्यू है मतलब छाया की लंबाई जो है वो हमारी कितनी बनेगी, 60 सेंटीमीटर। अब अगर इसी चीज़ को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, सॉरी 60 नहीं 600 आया है, ठीक है, 600 आया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, अगर इसी चीज़ को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हम क्या करेंगे, इसको 600 को 100 से भाग कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 मीटर। अगर मीटर में पूछा जाए तो हमारा 6 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में पूछा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब अपना कौन सा क्वेश्चन करेंगे भाई, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने कहा है उस खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। अब इस बार हमको क्या कहा है इन्होंने भाई, यहाँ पे कुछ डेटा जो है हटा देते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 मीटर, ठीक है। अब यह इन्होंने क्या कहा है, छाया जो इस बार हमारी बन रही है वो कितनी की बन रही है, 5 मीटर की बन रही है। 5 मीटर का मतलब हमने क्या निकाला था, वो निकाला था 500 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं तो उस अगर छाया हमारी 5 मीटर की है तो हमारी खंभे की लंबाई क्या होगी, इस बार मतलब हमें खंभे की लंबाई जो है वो निकालनी है। सेम क्वेश्चन है तो क्या करेंगे भाई, इस बार हमारा एक्स जो है ऊपर हो गया है, ठीक है, एक्स जो है ऊपर हो गया है, इस चीज़ को चाहे इसके साथ सॉल्व कर लो चाहे इसके साथ सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसको पूरा ही हम रफ कर लेते हैं, क्या करेंगे हम 1050 लिखेंगे, बटे में 600 लिख देंगे और बराबर में x बटे 500 लिख देंगे। दो जीरो यहाँ से कटे, दो जीरो यहाँ से कटे, कैची गुणा करेंगे इसकी इससे, इसकी इससे, 6 की x के साथ गुणा हुई तो हमारा 6x हुआ, 5 की इसके साथ 1050 के साथ हमारी गुणा होगी 5 की, ठीक है। x लिखा रहने देंगे, 6 को उधर भेज देंगे तो बटे में हो जाएगा, 1050 गुणे में 5 और बटे में 6, ठीक है। 6 से ये हमारा कटेगा कि नहीं, 4 1 5, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 4 बचा, ठीक है, 6 7 42,
तीन बचा छः पंचे तीस, 175 गुणे पाँच, पाँच से इसकी गुणा करेंगे पचम 25, पाँच सत्ते 35 और दो 37, पाँच कम पाँच, पाँच और तीन हमारा हुआ 8, 875 सेंटीमीटर आया है हमारा आंसर। यहाँ की वैल्यू क्या आई है, x बराबर आई है 875, ठीक है। अगर इसी चीज को 875 को हमें चेंज करना है, किसमें, मीटर में चेंज करना है, तो हमें 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 से भाग करेंगे, नीचे दो हमारे जीरो हैं, इन दो जीरो को हम हटाएंगे तो ऊपर दशमलव जो है हमारा दो अंक पहले खिसक के आ जाएगा, मतलब कि 8.75 मीटर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा मीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर में क्या होगा 875, मीटर में हो जाएगा 8.75। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ, जल्दी से नोट कर लीजिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है तो वो भी जल्दी से करा देते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है माल लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, इस बार हमें कितनी दूरी तय कर पाएगा ये हमें बता रहा है, ठीक है। कितनी दूरी की बात कर रहा है, तो दूरी तो हमें पता ही नहीं, यही हमें पता नहीं है, तो हमने क्या मान ली है, एक्स मान ली है। फिलहाल इन्होंने क्या बात की है, 5 घंटे की, पर इन्होंने सारणी के हिसाब से मिनट की बात की है, मिनट की बात की है, वो भी 25 मिनट। अब बात कर रहे हैं घंटे की, 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा, तो हम यहाँ पे 5 घंटा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे भाई, ये तो हमारा घंटा है ना और ये हमारा मिनट है, तो घंटा और मिनट साथ में नहीं लिखेंगे, या तो घंटे में ही कन्वर्ट करो या तो मिनट में ही कन्वर्ट करो, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एक घंटा जो होता है वो हमारा कितने के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। इन्होंने बात की है 5 घंटे की, तो 5 घंटे किसके बराबर हो जाएगा, 5 × 60 मतलब 5 × 6 = 30, 300 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 घंटा ना लिख के हमारा क्या लिखा जाएगा, 300 मिनट लिखा जाएगा। मिनट लिखने की जरूरत नहीं है, मिनट तो हमारा यहाँ पे लिखा ही हुआ है, 300 आया। अब हमको क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन के बाकी सारे क्वेश्चन की तरह हमें सिंपल से करना है, 14/25 लिखेंगे और बराबर में x/300 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, अब कुछ नहीं, चाहे तो यहाँ से काट दो डायरेक्ट, चाहे तो गुणा करके काट दो, ठीक है। 25 एकम 25, 25 एकम 25, 5 बचा, ठीक है, 25 × 50 तो हमारा यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लेते हैं, इसकी गुणा इसकी, इससे इसकी गुणा इससे, यहाँ पे तो 1 है, 1 की गुणा x से हुई तो हमारा x आया, और 14 और 12 की हमारी यहाँ पे गुणा हो जाएगी। गुणा करके करने पे क्या हमारा क्या आएगा, 14 × 28 और 14 एकम 14, 15 16, 168 किलोमीटर हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा, 168 किलोमीटर। मतलब ये जब हम 300 मिनट चलेंगे, 300 मिनट का मतलब 5 घंटे जब हम चलेंगे, तो हम कितने किलोमीटर पहुंचेंगे, 168 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो 168 जो है वो हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अच्छे से आप लिख सकते हो यहाँ पे, कि हर क्वेश्चन में लिख सकते हो 5 घंटे में वह 168 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। इस तरीके से अपने आंसर को अलग से भी लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हुई। तो कल जो है हमारी 13.2 एक्सरसाइज होगी, तो भाई आना मत भूलिएगा, देखना मत भूलिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लें।